ये वही तस्वीरें हैं जिनका टीना डावी के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। प्रदीप गवांडे से शादी के 1.5 महीने बाद टीना एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पहले की तरह एक्टिव हो चुकी हैं। लगभग 1.5 महीने पहले टीना डावी ने 2013 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अफसर प्रदीप गवांडे के साथ शादी की थी। शादी की रस्में जयपुर के एक होटल में निभाई गई थी। उस वक्त इस शादी से मीडिया वालों को दूर रखा गया था, लेकिन अब 1.5 महीने बाद खुद टीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं। टीना ने अपनी शादी का एल्बम भी शेयर किया है। टीना डावी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा है, फाइनली मेरी शादी का एल्बम आ गया है। उन यादगार दिनों को आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। टीना और प्रदीप दोनों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर जीवन भर साथ रहने का वादा किया था। टीना के पति प्रदीप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो फिलहाल राजस्थान कैडर के IAS अफसर हैं। प्रदीप चूरू जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। UPSC की परीक्षा पास करने से पहले उन्होंने MBBS भी किया और डॉक्टर भी रहे। बाद में UPSC क्लियर करके IAS अफसर बने। करियर में वो टीना से 3 साल सीनियर हैं, लेकिन उम्र में 13 साल बड़े हैं। टीना ने प्रदीप से शादी से पहले 2018 में IAS अतहर खान से शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी 2 साल ही चल पाई। 2020 में आपसी सहमति से दोनों ने तलाक ले लिया था। टीना और अतहर खान 2016 UPSC टॉपर थे। टीना डावी की ये दूसरी शादी है। प्रदीप से शादी के बाद जयपुर के ही एक होटल में टीना और प्रदीप ने जबरदस्त रिसेप्शन दिया था। टीना की बहन रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिसेप्शन के बाद उनकी तस्वीर शेयर की थी। इसमें उन्होंने लिखा था, लव लाफ्टर एंड हैप्पीनेस। IAS टीना डावी प्रदीप गवांडे से सगाई के दौरान पिंक ड्रेस में नजर आई थी। टीना और प्रदीप ने शादी के दौरान केक काट कर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किया। हमारी भी शुभकामना है कि टीना और प्रदीप हमेशा यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।